तो इस समय मैं अपनी मेल देख रहा हूँ नोकिया 7.2 में, इसको मैं कुछ समय से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इतना बता दूँ, फ़ोन जो है ना एटलीस्ट हाथों में पकड़ते सार ही आपको इम्प्रेस करना शुरू कर देगा। इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, देखने में काफ़ी कूल है, एक बार पास आके देख भी लो। नोकिया 7.2 ट्रिपल रेयर लेंसेज के साथ आ रहा है, मैट फिनिश है बैक पे, और भी काफ़ी कुछ है, बट कुछ कैचेस भी हैं। तो इसके जो फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे हैं अबाउट यूजिंग दिस फोन, वी आर गोना टेल यू ऑल दैट। सबसे पहले बात करते हैं ये फोन देखने में कैसा है। देखो, इसमें आपको एक 6.3 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। दिस इज व्हाट द डिस्प्ले इज। जो नॉच है वो बेटर हो गया है पहले वाले नोकिया फोन से, बिल्कुल बोट स्टाइल नॉच नहीं है, इट्स ए नॉर्मल वाटर ड्रॉप नॉच, प्रीटी नाइस। बेजल्स थोड़े मोटे जरूर हैं, आई डिड फील दैट, मतलब चिन जो है अब कई सारे फोन में बहुत छोटा देखने को मिलता है, इसमें यू हैव अ प्रोमिनेंट चिन एंड बेजल्स आर ऑल्सो नॉट द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट। तो बेजल्स हैं इसमें, बट आपको एंड्रॉयड वन एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फोन में। जो ट्रिपल रेयर लेंसेज हैं आपको पीछे, उसमें आपको एक 48 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है और एक 5 मेगापिक्सल लेंस मिल रहा है। कैमरा की बात थोड़ी देर बाद में करते हैं, बट पीछे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, फेस अनलॉक भी है, एंड बोथ ऑफ देम आर प्रीटी रिस्पॉन्सिव, बिल्कुल एक सेकंड के अंदर अंदर जो है, मच लेसर देन वन सेकंड द फोन विल अनलॉक। तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, फेस आईडी जो है इसका वो थोड़ा सा टाइम लैग है उसमें, दैट डेफिनेटली वी डिड फील। नाउ आगे आते हुए इसमें बटन्स जो है आपको राइट साइड पे मिल रहे हैं, फेयरली सिंपल, नथिंग मेजर हैपनिंग देयर। जो आपको टाइप सी पोर्ट है वो नीचे देखने को मिल रहा है, स्पीकर्स जो हैं वो आपको साथ में मिल रहे हैं, स्पीकर ग्रिल, एंड ऑफ कोर्स आपका एक बटन फोन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखने को मिलेगा, विच इज इसेंशियली फॉर योर गूगल असिस्टेंट। फोन में आपको 3500 mAh बैटरी मिल रही है, 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अब ये सब तो हो गए इसके स्पेसिफिकेशंस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 के साथ ये फोन आ रहा है। अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, या जो भी जितना हमने लिमिटेड अभी यूज किया है उसके बेसिस पे मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है, फोन इज एक्चुअली प्रीटी फ्लूइड टू यूज, मल्टीटास्किंग करने के लिए बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। बट जैसा आप देख सकते हो इसमें ना ये रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, अगर मैं मैक्सिमम भी कर देता हूँ इसकी ब्राइटनेस, जैसे आप देख सकते हो इट इज एट मैक्स ब्राइटनेस राइट नाउ, तब भी इसमें रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा आ रही है। सो दिस इज समथिंग विच आई डिड नॉट लाइक, बट द बैक ऑफ द फोन इज वेरी स्लीक, ग्लास बैक ही है बट मैट फिनिश के साथ है, तो फिंगरप्रिंट से बिल्कुल नहीं पकड़ता और हाथों में पकड़ा हुआ ये गेट अ वेरी स्टर्डी फील फ्रॉम द फोन। स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है तो यू नो हाउ दैट फ्लोज, बड़ा सिंपल एक आपका ड्रॉअर है एंड बेसिक एप्स जो हैं आपके यहीं पे हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं एंड यू हैव ऑल योर मेजरली यूज एप्स स्टोर्ड द सेम प्लेस। ब्लोटवेयर बहुत कम आपको देखने में मिलेगा। जो इसका कैमरा है दैट इज द मेन फीचर, तो कैमरा जो है इसमें आपको एक डेडिकेटेड नाइट मोड मिल रहा है, उसमें वीडियोज के लिए ऑफकोर्स यू हैव द ऑप्शन, फोटोग्राफ्स में यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ यूजिंग द वाइड एंगल लेंस भी। वाइड एंगल में क्या है, वो इमीडिएटली वाइड कर देगा सब चीज़ों को, जैसे आप देख सकते हो सामने जो है वो गाड़ी, और इसके थ्रू आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट पूरा आसपास का आपको व्यू साथ में मिल रहा है। एंड इफ यू वांट टू जस्ट गो इन टू द नॉर्मल लेंस देन यू हैव द ट्रिपल लेंसेज वर्किंग टुगेदर लाइक दिस। बेसिकली जितने लेंसेज हैं देर ऑल बैक्ड बाय जीस ऑप्टिक्स, ये सारे लेंसेज आर जीस ऑप्टिक्स इनेबल्ड, एंड उसी के साथ ऑब्वियसली आपको कैमरा क्वालिटी में जो इमेजेस आप ले रहे हो बिल्कुल उसमें कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली। आई वाज प्रीटी इंप्रेस्ड विद द इमेजेस दैट वी टुक, मैं कुछ सेल्फीज आपको दिखाना चाहता हूँ, दीज वर सम सेल्फीज दैट वी टुक। जूम इन भी अगर हम कर लें तो बिल्कुल क्लोज भी जाके इसमें डिटेलिंग इज प्रीटी नाइस, जैसा आप देख सकते हो। देन वील गो बैक, वील लुक अप सम मोर इमेजेस, हमने कुछ सेल्फीज ली थी विद द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट दे हैव ऑफर्ड। सेल्फीज में भी आप देखो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ डिफ्यूजिंग द बैकड्रॉप, और वो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपने कितना डिफ्यूज करना है पीछे की साइड। तो इसमें मैंने डिफ्यूजन बिल्कुल मिनिमल रखी हुई है, इसमें थोड़ी ज्यादा और इसमें मैक्सिमम करी हुई है, सो यू नो द रिजल्ट इन फ्रंट एंड द कैमरा इज प्रीटी सैटिस्फैक्ट्री। जो इसका नाइट मोड है कैमरा का, दैट इज अगेन अनदर फीचर विच वी मस्ट टॉक अबाउट, मैंने कुछ उसमें फोटोग्राफ्स भी ली है, दिस इज द नाइट मोड। तो अभी उस कमरे में चलते हैं जिसमें मैंने नाइट मोड को यूज करके कई सारी फोटोग्राफ्स भी ली, आ जाओ। सो द रूम इज फेयरली डार्क, मैं अभी दरवाजा बंद करूंगा तो मेरी शक्ल भी आपको नजर नहीं आएगी, बट यहीं पे ही अब हम कुछ फोटोग्राफ्स लेने वाले। देयर यू गो, इसके थ्रू आप देखो तो काफी डार्क है और इसके साथ देखोगे तो इमीडिएटली देयर इज अ डिफरेंस। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय जरूर लेता है ये प्रोसेसिंग में, जैसे आप देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग एक बार हो जाए उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो प्रीटी डिसेंट है, और जूम इन भी करके देखोगे तो आपको ज़्यादा कोई ब्लरिंग नहीं इसमें दिख रही,
इट्स ओके. सो आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस. तो अभी हमने अंधेरे कमरे में नाइट मोड यूज करके देखा है एंड इट इज गिविंग डिसेंट क्वालिटी इमेजेस. नाउ दिस फोन इज एसेंशियली कमिंग विद द क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर. अब वो प्रोसेसर आपको और कई सारे फोन्स में देखने को मिल जाएगा जो इस फोन से सस्ते हैं, जैसे रेडमी नोट 7 हो गया या ओप्पो का K1 हो गया. इस फोन का जो मुकाबला होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी विद द लाइक्स ऑफ रियलमी एक्स और Xiaomi's Redmi K20. अब उन फोन्स में इससे बहुत ज़्यादा फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो उससे बेटर है. सो लेट्स सी दैट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड ऑफ, बट फर्स्ट इंप्रेशन से एटलीस्ट दिस फोन इज वेरी इंप्रेसिव. लॉन्ग टर्म यूसेज में इसके प्राइस रेंज में और सारे फोन्स हैं जो इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के ज़्यादा आते हैं. वी गोना गिव अ फुल रिव्यू टू यू वेरी सून.